छत्तीसगढ़ के पूर्व जीएसटी मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट में सभी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है, खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण देखने के बाद मीडिया से चर्चा की। फसल उन्नयन में 3 साल तक स्टाइफन देना एक बहुत बड़ी योजना की उन्होंने शुरुआत की। इसी प्रकार से अगर मैं महिला की बात करूं तो 2 साल तक महिलाओं के सम्मान विकास जो योजना बनाई है जिसमें 7.5% ब्याज था। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर है, अगर उसमें देखेंगे तो अभी तक जो रोकी हुई संपत्ति है या जो उनकी संपत्ति सीज हो गई थी 95% उसकी वापसी और 1% ब्याज दर पे कमी निश्चित तौर पे आने वाले छोटे व्यवसायी एमएसएमई के लिए ये बजट बहुत ही कहना चाहिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, युवकों को उसमें रोजगार मिलेगा। अगर कल का अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण देखें तो महंगाई दर हमारे यहाँ कम हुई। कांग्रेसियों का जो देखने का नजरिया है वो राजनीति है। दुनिया की सबसे बढ़ती तेजी के साथ अर्थव्यवस्था दुनिया में 7% ग्रोथ किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अगर कल का आर्थिक सर्वेक्षण हम देखें तो बेरोजगारी की भी दर हमारे देश में घट रही है, महंगाई की भी दर तेजी के साथ घट रही है। कल का आर्थिक सर्वेक्षण देखें, आंकड़े बोलते हैं, राजनीतिक भाषा बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और इसी प्रकार से अगर हम देखें आज का ये जो बजट है, अगर हम बात करें इसमें चाहे युवा की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे आधारभूत संरचना की बातचीत करें, चाहे अनुसूचित जाति की बात करें, सबके लिए कुछ न कुछ नई योजनाओं पर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें।